आज के इस वीडियो में बताएंगे मैट्रिक 21 का रिजल्ट किस तरह देख पाएंगे ऑनलाइन मार्कशीट के साथ। उसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। सबसे पहले आप इंडिया रिजल्ट की वेबसाइट पर आएंगे, जहाँ से आप रिजल्ट डिवीजन देख सकते हैं। यहाँ से आप मार्कशीट नहीं देख सकते। मार्कशीट देखने के लिए आपको अलग वेबसाइट का लिंक मिलेगा बिहार बोर्ड ऑनलाइन करके। चलिए हम रिजल्ट चेक करते हैं। उसके लिए देख सकते हैं क्लास 10th मैट्रिक रिजल्ट नो अवेलेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्कूल के रोल कोड देंगे और रोल नंबर देंगे। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद फाइंड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल देने के बाद फाइंड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट के डिवीजन यहाँ पे शो कर देंगे। इस तरह आप डिवीजन देख सकते हैं। और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने अलग अलग वेबसाइट का लिंक दिया, जो अभी नहीं खुला है इस पर रिफ्रेश करके इस वेबसाइट को खोल लेंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट नॉर्मली अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। यहाँ पर देखिए सर्वर एरर है, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से रिफ्रेश करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे आप अपना रोल कोड रोल नंबर डाल के अपना मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा, रिजल्ट इंडिया की वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर किसी का रिजल्ट चेक कर रहे उसमें कोई डाटा नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब दो हो सकता है, या उसका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है या वो एग्ज़ाम में फेल हो गए। अगर उसकी डाटा यहाँ पे नहीं दिखा रही, सबसे पहले रिजल्ट देखने के लिए आप इसी वेबसाइट पर आएंगे इंडिया रिजल्ट पे। अगर आपको सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।